अमृतसर च सिविल अस्पताल च ऐतवार सवेरे 4 बजे तड़के मेडिकल लीगल रिपोर्ट लेने आए दो धड़ियां वालों आपस च भिड़न दा समाचार मिलिया है। इस दौरान एक धिर दे व्यक्ति ने दूजे धिर उत्ते गोली चला दी। एक गोली अस्पताल च तैनात एमरजेंसी मेडिकल अफसर पवनीत सिंह नूं लगी है। पवनीत सिंह नूं तुरंत निजी अस्पताल च दाखिल जो है करवाया गया। घटना नूं अंजाम देने तों बाद मुलजम जो है फरार हो गया। असल विच लवकुश नगर च दो लोकां विचकार मामूली विवाद नूं लैके झगड़ा होया। झगड़ा इन्ना वध गया कि दोवां धड़ियां दे दर्जन भर तों ज्यादा लोक आमने सामने हो गए। एक दूजे दी कुटमार कीती गई। झगड़े तों बाद दोवें ही पार्टियां सिविल अस्पताल च मेडिकल लीगल रिपोर्ट लेण पहुंचियां। इत्थे ही आपस च भिड़ गए। उत्ते ही डीजीपी धर्मिंदर सिंह ने कहा है कि जल्द ही मुलजिमां नूं जो है गिरफ्तार किया जाएगा। उत्ते ही डॉक्टर राकेश शर्मा ने पुलिस उत्ते सवालिया निशान खड़े करते हुए पूछा कि पुलिस जो है सिविल अस्पताल दे अंदर अपनी ड्यूटी जो है सही तरीके नाल नहीं निभा रही है। इस मौके उत्ते डॉक्टर ने मांग की है कि सिविल अस्पताल दे विचकार ही एक पुलिस चौकी जो है बनाई जानी चाहिए है ता जो कोई डॉक्टर की जान नूं खतरा ना होवे। मैं जी राकेश शर्मा चेयरमैन एम्पलाई वेलफेयर हेल्थ डिपार्टमेंट जी। राती साढ़े डॉक्टर पवनीत ईएमओ ड्यूटी कर रहे थे। दो पार्टियां एक राजू पार्टी एक राहुल पार्टी ये झगड़ के इतने एमएलआर अपना कटाण आए। रात कोई 12:30-1 बजे का टाइम डॉक्टर साहब उन्होंने मेडिकल लीगल कर रहे ही कि वो पार्टियां इतने आपस झगड़ पी दोबारा झगड़ के जी राजू पार्टी वालों पता लगा भी बंदा जोड़ा उन्हें गोलियां चलानी शुरू करती। डॉक्टर साहब बाहर वेखन हुए कि रौला कहता पैन डाया है। वो गोली एक उन्होंने वज गई जिद गंभीर जख्मी हुए अभी उन्होंने हम पता लगे आ रहे हैं ऑपरेट हो रहा उन्होंने लत का। मेडिकल लीगल काम बंद करवाता इतने जिहड़ा पुलिस नाल रिलेटड काम वह भी बंद करवाता। कल तो ओपीडी भी बंद रहेगी। सिर्फ एमरजेंसी सेवाएं इतने चलनगियां। साडी डिमांड यह हैगी इतने परमानेंट गार्ड लाई जाए। परमानेंट तो उन्होंने दोषियों को फड़िया जाए। ये नहीं कि अज घटना आई वेखो कि पुलिस तुम दिस भी आ तो रात कोई नहीं जिसे होंगे चार बंद गार्द लगी एक बंदा रहा वो कोई असला कोई नहीं ना उन्हें कोई लैटर उसे यूनिफॉर्म पाई होंगी एक बंदा करूँगा भी की जिसे पंजी बंदे स्ट्राइक जी मनी नहीं है स्ट्राइक आ सिक्योरिटी लैस बड़ा जबरदस्त आ जी। अं 5 दिन पहला डीसीपी साहब के ध्यान से लिया डीसीपी साहब इतने आए ही भी तुहाड़ी सिक्योरिटी इतने नहीं रही सिक्योरिटी परमानेंट प्रोवाइड कराओ को अंसका भी घटना होगी। उस तो 2 दिन पहला डॉक्टर मनप्रीत ने रिटन एप्लीकेशन रामबाग थाने दी साढ़े यूनस जी इतने बैठे ड्यूटी के और रिसीव करा के आए आ कश्मीर सिंह एस ए भी मैंने बंद ने मिसबिहेव किया जानों मरण की धमकी दित्तियां कोई एक्शन नहीं। उस तो पहला भी कई बार अं समय समय से इन्ना ध्यान से लिया कभी एक्शन लिया ही कोई नहीं। तो ये वेखो भी जदों कोई VIP इतने आना हों जिदा पुलिस कमिश्नर साहब वैक्सीनेशन करा लेंगे उदन 18 बंदे सिक्योरिटी लग जाते हैं कमिश्नर साहब ने टीका लवाना कमिश्नर साहब जो उन्होंने गार्द प्रोपर होंगी उस तो अलावा 18 लग सकते जो उन्होंने वास्ते बंदे लग सकते तो डॉक्टर भेड़ बकरियां कुत्ते बेले भी जरा मर्जी मार दे आ गए इन्हों वास्ते कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये VIP कल्चर खत्म नहीं होया सगों वध गया। अफसरशाही भारी आ कोई किसी की सुनता नहीं जे कोई सिक्योरिटी लगती नहीं जे जो रौला पाने 3 दिन ला देंगे मगरों चुक लेंगे। पता नहीं सानू कोई पुलिस वाला नहीं मिला जी एक कोई नहीं सानू नहीं पता जी साड़ी मांग है बंदे अरेस्ट किए जान परमानेंट पुलिस चौकी इतने बनाई जाए नहीं तो काम ठप रहेगा। कल ओपीडी बंद रहेगी जी पुलिस रिलेटड काम बंद रहेंगे मेडिकल लीगल बंद रहेंगे ओनली एमरजेंसी सेवाएं चलनगियां जिदे विच गंभीर पेशेंट जिहड़े आ उन्हां नूं डील कीता जाऊगा। जवाब ਕਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਾਤੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲ ਚ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਗੋਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਵ ਕੁਛ ਨਗਰ ਆ ਪੁੱਤਰੀ ਘਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ
एक बंदे ने गोली चलाई डॉक्टर साहब दे वजी है वो संबंध 307 का वो तारा लगा के जी बनती कानूनी कार्रवाई सी कर दी है। तीन बंदे अरेस्ट कर लिया उन्होंने अभी पेश करने जा रहे दस दिन टोटल ये 10-12 बंदे है जी। गैंगस्टर ने जी नहीं जी नहीं गैंगस्टर वो तो बाद तस्दीक होने बाद पता लगेगा अजे तो कोई बंदे कितने जो फड़े हुए जो बंदे असं आप खुद ही लैके कोरोना टेस्ट तो बाद पेश करने चले जी जी गोली सिविल चली है उसकी कार्रवाई की उचा दर्ज है कंटोनमेंट थाना उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं वो वक्री जे दोषी ने डॉक्टर जानबूझ के गोली मारी इन्होंने आपसे कहने तकरार हो तो नजदीक तो बंदा मेन फड़िया जाऊगा जिन्हें गोली चलाई फिर ही सामने आऊगा भी उन्हें जानबूझ के मारी। लड़ाई का कारण की सी? लड़ाई का कारण आपसी तकरार होया दोनों धिरों का वो अजे सामने तस्दीक तो बाद गल जाऊगी इतने तो एक पार्टी ने चलाई गई गैंगस्टर ए बारे तस्दीक तो बाद पता लगे तो बाद हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।